हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं कुछ विद्यार्थियों की कुछ स्टूडेंट्स ने कई बार मुझे मैसेज किए कि रीडिंग पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन की कोई वीडियो लाएं, तो ये आप सबके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज आते हैं, बड़े बड़े पैसेज होते हैं, उनको रीड करना, अंडरस्टैंड करना और उसमें से क्वेश्चन आंसर कैसे आंसर देने होते हैं, क्वेश्चंस के वो जानना, और पूरी कॉम्प्रिहेंड करना ही अंडरस्टैंड करना होता है, अच्छी तरह से गहराई से उसमें पैसेज में एंटर करना और वहाँ से जो अच्छी बातें हैं उसको समझ लेना, और वही प्रश्नों में होती हैं और वही अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे बाद में लेंगे, पहले पैसेज को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है वो थोड़ा बहुत उसमें टिप्स होंगी, वो आप जान लो। पैसेज ये आपको आ गया, सपोज करो पहला पैसेज है, आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं इसमें, तो आपको सिर्फ पहली जो बात है इसे अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, एक गो थ्रू कर लेना है, फिर एक एक पैरे को लेके अंडरस्टैंड करना है। आप इसको पूरा पढ़ लोगे ऊपर से नीचे, राइट? आपने रीडिंग कर ली, अब हम इसमें से निकालेंगे कुछ, हर पैसेज में कुछ निकालेंगे। आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो वहाँ पे, अगर अलाउ किया गया है आपको अंडरलाइन करने के लिए पेपर में कुछ लाइनें, कुछ इतने बड़े पैसेज में कुछ ही लाइनें मेन होती हैं और दो तीन पंक्तियों में एक थॉट होता है, जिसको पहले थॉट होता है उसको एक्सपेंड किया जाता है, और जो एक्सपेंशन में एक्सपेंड की गई चीज़ें हैं वो नोट मेकिंग अगर कर रहे हैं तो नोट मेकिंग में भी उनका ज़रूरत नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं होती, परंतु कॉम्प्रिहेंशन में होती है। तो ये नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, तो हर चीज को आप अंडरस्टैंड करोगे, उसका थीम अंडरस्टैंड करोगे। द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट आर रियली क्वाइट डेवास्टेटिंग। वोकैब भी आपको आनी चाहिए, और ये एक दिन में नहीं होता है कि आप एक ही दिन में पैसेज को अंडरस्टैंड करना जान जाओगे, ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस थी जिसकी वजह से पैसेज दिए जाते हैं कि आपको रीडिंग हैबिट्स डेवलप हों, आप वोकैब को, जो आपकी टेक्स्ट है फ्लेमिंगो या दूसरी विस्टास, उन्हें पढ़ेंगे या पढ़ पढ़ के आप जान लोगे, या टेंथ क्लास वाले कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही मेथड है, प्लस वन वालों के लिए भी यही मेथड है, कोई भी क्लास हो कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड करना, उनके में से क्वेश्चन निकालना, यही मेथड चलेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो रीडिंग हैबिट्स डेवलप करेंगे आप, और साथ साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके वर्ड मीनिंग आपको आने चाहिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग कहीं से भी मिले, आपको न्यूज़पेपर से मिले, कहीं से भी मिले, नावल से मिले, आप वर्ड मीनिंग को माइंड में बिठाइए, क्योंकि कोई ना कोई वर्ड यहाँ आएगा ऐसा जो समझ नहीं आएगा आपको। अगर देखो यहाँ एग्ज़ाम में आप क्या कर सकते हो, आप ये नहीं है कि वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप पैसे छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। आप अंडरस्टैंड गैस कीजिए किस कॉन्टेक्स्ट में था, अंदाज़ा लगा लीजिए उस वर्ड का, अंदाज़ा लगाइए कि क्या है। अब यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स की बात चल रही है तो ये नुकसान ही करेगा, डेवस्टेट करना मीन्स नुकसान पहुँचाना, डिस्ट्रॉय करना। तो इफेक्ट्स, जो प्रभाव होता है प्लास्टिक बैग्स का एनवायरनमेंट पे, रियली डेवस्टेटिंग है, विनाशकारी है। व्हाइल देयर आर मैनी objections to the banning of plastic bags based solely on their convenience, the damage to the environment needs to be controlled. तो ये मेन लाइन आ गई, डैमेज जो एनवायरनमेंट का हो रहा है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जबकि while ये इससे कमजोर लाइन है, मतलब ये थॉट वैसे दिया हुआ है कि लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये प्रश्न बन सकता है, अपनी सुविधा के लिए बैन पे पाबंदी लगाने पे, प्लास्टिक बैग पे पाबंदी ना लग जाए, वो आवाज़ उठाते हैं कि वो पाबंदी के खिलाफ है किस्म से, परंतु ऑथर ये कहता है जिन्होंने पैसे लिखा कि एनवायरनमेंट पे
डेवस्टेटिंग इफेक्ट है, इसलिए इसको रोकना होगा। तो ऐसे मेथड्स निकालने होंगे जिससे प्लास्टिक पैक्स पे, पॉली पैक्स पे बैन लगे। तो ये कंट्रोल करना लाजमी है एनवायरनमेंट डैमेज को। देर इज नो वे टू स्ट्रिक्टली लिमिट द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट बिकॉज देर इज नो डिस्पोजल मेथड। प्लास्टिक बैग्स जब तक आएंगे तो ये चीज़ बरकरार रहेगी। यहाँ कहता होता है देर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है कि स्ट्रिक्टली लिमिट कर दें इफेक्ट को। प्लास्टिक बैग को इफेक्ट, जो बुरा प्रभाव है उसको इफेक्ट, उस प्रभाव को रोकने का कोई जरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्पोजल मेथड नहीं है कोई। इनको कहाँ ले जाएं, कैसे डिस्पोज ऑफ करें सही, जिससे कोई कुप्रभाव ना पड़े, वो तरीका नहीं है। दैट विल रियली हेल्प एलिमिनेट द प्रॉब्लम। और यही तरीका एलिमिनेट करेगा इस प्रोग्राम, इस बात को, इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना, रिमूव करना, राइट, इसको खत्म करना है किस्म से। तो यहाँ आपने क्या समझा, तो आपको अंडरलाइन करनी हो चीजें। अब दिखाते हैं आपको इसमें क्या था। द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट आर रियली क्वाइट डेवास्टेटिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी। नेक्स्ट, द डैमेज टू द एनवायरनमेंट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, डैमेज को कंट्रोल करने की जरूरत है। और नो डिस्पोजल मेथड, कोई डिस्पोजल मेथड नहीं है। तो तीन बातें तो जरूरी थी इसमें, बाकी इनको एक्सप्लेन किया गया। व्हाइल रीयूजिंग देम इज द फर्स्ट स्टेप, कंट्रोल करने के लिए, इस इफेक्ट को कम करने के लिए एक तरीका है, रीयूज करो, उसे दोबारा यूज करो। मोस्ट पीपल डू नॉट अप्रूव, परंतु लोग इसको अप्रूव नहीं करते, इसको मान्यता नहीं देते, मानते नहीं इस बात को। दे आर नॉट डिसे, क्यों नहीं मानते, क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन, इस तरह ही बनते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ड्यूरेबल नहीं है, वो फट जाएंगे, कमजोर हो जाते हैं। टू स्टैंड अप मींस सहन करने के लिए, टू न्यूमरस ट्रिप्स टू द स्टोर, स्टोर में आप जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, तो वहाँ आप जाओगे, वो वहाँ से मिलेगा। ये नहीं कि प्लास्टिक बैग आप घर में रखोगे तो वहाँ से जो बैग मिलेंगे, अगर वो रिसाइकल्ड हैं, दोबारा रीयूज़ का मतलब है घर में रख लो और उन्हीं को आप ले जाओ और वो दे दें, या फिर वही रीयूज़ किए गए बैग्स को दुकानदार आपको दे दें। आप नहीं चाहोगे, आप चाहोगे साफ सुथरा नया बैग मिले, राइट, तो लोग अप्रूव नहीं करते। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस इज दैट वंस दे हैव बीन सॉइल्ड दे एंड अप इन द ट्रैश। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गंदे तो होंगे वो, जब चीज़ आएगी उनमें कुछ ना कुछ अवशेष चीज़ के होते हैं, इट मीन्स वो गंदे हो गए। अगर वो गंदे हो गए तो वो ट्रैश में जाएंगे, डस्टबिन में जाएंगे आपके, विच देन एंड्स अप इन द लैंडफिल और बर्न, फिर आगे कहाँ जाते हैं वो, कूड़े वाले लेंगे उन्हें और वो डंप कर देंगे, या तो फिर वो डंप ज़्यादा हो जाता है तो आग लगा देते हैं, कौन सा रिसाइकल करते हैं वो, आग लगा देंगे, या फिर हवा में उड़ के वो लैंड फिल करेगा, कहीं ना कहीं ज़मीन में वो पड़ा रहेगा और लंबी उम्र तक पड़ा रहेगा। तो आइदर सॉल्यूशन इज़ वेरी पुअर फॉर द एनवायरनमेंट, सॉल्यूशन लग नहीं रहा इसका कि वो एनवायरनमेंट का होगा। बर्निंग एमिट्स टॉक्सिक गैसेस, अगर जलाते हैं तो टॉक्सिक गैसेस निकलती है उसमें, that harm the atmosphere and increase the level of VOCs in the air, gas ka level badhayega, while landfills hold them indefinitely as parts of the plastic waste problem. वो landfill करेगा तो वहाँ, अगर वो agricultural land में चला गया तो soil को खराब करेगा, वहाँ फसलों को उगने नहीं देगा। तो इवन वेन सिटीजन्स ट्राई टू मैनेज देयर प्लास्टिक बैग डिस्पोजल विंड प्लेज, अगर वो इवन वेन सिटीजन ट्राई टू मैनेज देयर प्लास्टिक बैग डिस्पोजल, अगर वो डिस्पोज भी करे तो वहाँ पड़े रहेगा एक डिस्पोजल पॉइंट पे, हवा आएगी, आंधी आएगी, उड़ा ले जाएगी। तो विंड भी अपना रोल अदा करती है, कैरिंग देम अवे एज लिटर। दिस लिटर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये प्लास्टिक बैग का जो लीटर है ये
बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और एंड दस वेयर इट लैंड्स इट टेंड्स टू स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे भी वो रहेगा गिरेगा जाके वो काफी समय तक रहेगा। ए बैग दैट इज इवेंचुअली रिप्ड टू श्रेड, कई बार ऐसा होता है बैग फट गया पड़ा पड़ा वहां पे हीट की वजह से कोल्ड की वजह से, तो फिर उसके कतरे कतरे उड़ेंगे हवा में, वो खत्म नहीं होंगे स्कैटर हो जाएंगे। विंड्स और अदर फैक्टर डजंट डिसअपियर बट इंस्टेड इज स्प्रेड इन स्मॉलर अमाउंट्स थ्रू आउट द एरिया, सारे एरिया में छोटे छोटे उसके खतरे मिलेंगे। दिस कैन कॉज मोर प्रॉब्लम्स, और ये ज्यादा समस्या पैदा करेंगे। दी स्मॉलर पीसीज आर कैरिड अवे थ्रू स्टॉर्म, आंधियां आने ले जाएंगी, नालियां ड्रेन्स एंड ऑफन एंड अप इन वाटरवेज, या फिर किसी पानी में वो पड़े रहेंगे तो पेट में जाएंगे जानवरों के, पानी में पिएंगे तो उसको सांस के थ्रू भी जा सकते हैं कोई चीज। प्लास्टिक बैग लिटर इज ऑफन आल्सो द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लेजीनेस, प्लास्टिक बैग जो लीटर बनता है इससे गार्बेज बनता है, जो मतलब ऐसी पड़ी रहती है वो लीटर ही होगी, तो ढेर के ढेर इसके, ये ह्यूमन लेजीनेस की वजह से होता है, इंसानों की सुस्ती की वजह से होता है। द प्लास्टिक बैग माइट मेक फॉर ए गुड कैरी, जब आप प्लास्टिक बैग में सामान लेके आते हो अच्छा लगता है साथ लाने में टू द बीच, या आप घर से बिस्किट ले जा रहे हैं खाने पीने का सामान ले रहे हैं प्लास्टिक बैग्स में, बीच पे जा रहे हो पिकनिक पे जा रहे हो दिन में ले जाते हैं अच्छे लगते हैं, बट वंस ऑल ऑफ द ये प्रेटजल्स ये बिस्किट्स के लिए हैं एंड चिप्स आर कंज्यूम्ड, जब खाने की चीज़ें कंज्यूम कर ली आपने खा ली फिर क्या करते हो, फेंक दिया उसको प्लास्टिक बैग को फेंक ही देते हो। एन एस्टिमेटेड वन इन थ्री, तीन में से एक कंज्यूमर सिंपली अलाउ द बैग टू डिसअपियर इन टू द विंड एंड वेव्स, तो वो तो फेंक ही देगा, दो हो सकते हैं अपने रख लें उसको वापस सही जगह पे रखेंगे डालेंगे बाद में, तो आमतौर पे वहीं फेंक देते हैं, तीन में से एक तो फेंके गए। विथ मोर देन 500 बिलियन एंड पॉसिबली एज मैनी एज ए ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स इन सर्कुलेशन एनुअली, एक साल में कम से कम 500 बिलियन से अधिक और ट्रिलियन तक सर्कुलेशन में आते हैं बैग्स, और दिस कैन लीड टू ए कैटास्ट्रॉफिक लिटरिंग प्रॉब्लम, इससे बहुत ही समस्या गंभीर समस्या कैटास्ट्रॉफिक जिससे संकट आ जाए, इस तरह की वो प्रॉब्लम लिटरिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ढेर के ढेर लग जाते हैं। नॉट ओनली इज लिटरिंग अन अट्रैक्टिव, लिटरिंग मान लो कहीं किसी शहर में किसी गांव में प्लास्टिक ये पॉलिथीन ऐसे बिखरे पड़े हैं अच्छे थोड़ी लगते हैं अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, और बट इट इज ऑल्सो ए वेरी सीरियस एनवायरमेंटल हैजर्ड, अट्रैक्शन की तो बात ही छोड़िए एनवायरमेंट के लिए ये अड़चन है बहुत बड़ी हैजर्ड है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स इज दैट एन एस्टिमेटेड 300 मिलियन प्लास्टिक बैग्स एंड अप इन द अटलांटिक ओशन अलोन, एस्टिमेट के अनुसार एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज दैट एस्टिमेट 300 मिलियन प्लास्टिक बैग्स अटलांटिक ओशन में मिलते हैं। दीज बैग्स आर वेरी डेंजरस फॉर सी लाइफ, सी लाइफ के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, स्पेशली दोज ऑफ द मैमल वैरायटी, एंड मैमल वैरायटी आप जानती है एंड एनी हंटिंग मैमल कैन इजीली मिस्टेक द साइज शेप एंड टेक्सचर ऑफ द प्लास्टिक बैग फॉर ए मील, कोई भी हंटिंग मैमल मैमल आ रहा है उसमें मछली है कोई ऐसी, और वो उस प्लास्टिक को ऐसे तैरता देखेगी तो उसका टेक्सचर उसकी शेप बनावट उससे अट्रैक्ट होगी और उसको एकदम खाने के लिए आएगी, उसको मीट समझेगी खा लेगी उसको, और फिर क्या होगा एंड फाइंड इट्स एयर वे इज कट ऑफ, गले में अवरुद्ध हो जाएगा सांस लेने की जगह। नीडलेस डेथ्स फ्रॉम प्लास्टिक बैग्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे एवरी ईयर, और अनावश्यक मौतें प्लास्टिक बैग्स की वजह से प्रतिदिन होती हैं प्रति वर्ष होती हैं, और पोरपोइज़ेज़ आर द मोस्ट कॉमन विक्टिम, पोरपोइज़ेज़ मछलियों की जाति प्रजाति है तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है, बिकॉज दे ईट सी नेटल्स एंड जेली फिश, वो जो सी वीड्स वगैरह जेली फिश वगैरह होती हैं उनको खाती हैं, दे आर द मोस्ट लाइकली टू मिस्टेक द प्लास्टिक बैग, और प्लास्टिक बैग को भी वो फिश जेली फिश
मांग लेती हैं। इफ दे सर्वाइव द स्वेलोइंग ऑफ द बैग इट इज अनलाइकली दैट दे आर एबल टू कंटिन्यू विद नॉर्मल डाइजेशन। अगर वो सर्वाइव भी हो जाती है, बच भी जाती है निगलने के बाद, परंतु उनका डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो एंड दस इवेंचुअली डाई ए स्लो और बड़ी स्लो और पेनफुल डेथ होती है उनकी। टॉक्सिटी और इंटेस्टाइन ब्लॉकेज की वजह से, इंटेस्टाइन्स में जो अंतें होती हैं, अंतड़ियाँ होती हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा कोई ना कोई। द एनवायरमेंटल बैलेंस ऑफ द वाटरवेज इज बीइंग थ्रोन ऑफ बाय द रेट ऑफ प्लास्टिक बैग्स फाइंडिंग देयर वे इनटू द माउथ एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स ऑफ सी मैमल्स। तो इस तरह से एनवायरमेंटल बैलेंस भी बिगड़ता है वाटरवेज में, नदियों में, नालों में, समुद्र में, ये वाटरवेज हुए। तो इसमें प्लास्टिक बैग गिराए जाएंगे तो इससे वो मुंहों में जाएंगी, अंतड़ियों में जाएंगी सी मैमल्स के, और वो मरेंगी। एंड एज वन स्पीसीज बिगिंस टू डाई, अगर एक मरनी शुरू हो जाती कोई स्पीसीज, तो एबनॉर्मल रेट पे एवरी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वाटर वे इज इम्पैक्टेड। तो उसके मरने से पानी में दूसरे जंतु भी इम्पैक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, गले सड़ेंगे तो उससे बीमारियां फैलेंगी, राइट। तो डेड बॉडी जो होती है इनकी, जो मरे हुए जानवर होंगे समुद्र में मरेंगे, गले में सड़ेंगे, तो इससे और बीमारियां फैलती हैं। चेंजेस विद इन द एनवायरमेंट कंटिन्यू टू किल ऑफ येट मोर ऑर्गेनिजम्स, तो और ऑर्गेनिज्म उसमें मरेंगे। The indefinite period of time that it takes for the average plastic bag to break down can literally take 100 years. अब इसको डिके कैसे होता है, ब्रेक डाउन होने में 100 years लग जाते हैं। एवरेज प्लास्टिक बैग को 100 साल भी लग सकते हैं। Every bag that ends up in the woodlands of the country threatens the natural progression of wildlife. अगर वुडलैंड में चले जाते हैं प्लास्टिक बैग, जंगल में चले जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करते हैं। बिकॉज द ब्रेक डाउन रेट इज सो स्लो, द चेंजेस, द चांसेस दैट द बैग विल हार्मलेसली गो अवे आर एक्सट्रीमली स्लिम। क्योंकि उसकी उम्र लंबी होती है तो वो वहाँ से गायब होगा, बहुत कम चांस होते हैं इसके। थ्रू आउट द वर्ल्ड प्लास्टिक बैग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन डेथ्स ऑफ वुडलैंड। जंगल में भी सफोक, वो खा जाते हैं, जानवर खा लेते हैं उसको गलती से, तो निगल जाएंगे तो सफोकेशन, गला घुट जाएगा उनका, इस वजह से बहुत मौतें होती हैं। और एज वेल एज इनहिबिटिंग सॉयल और सॉयल न्यूट्रिएंट्स को भी रोकती है वो, मिट्टी में चीज पनपती नहीं है, फिर प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं करते सही प्लास्टिक बैग्स की वजह से। तो आखिर में द लैंड लिटर दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बैग्स हैज द पोटेंशियल टू किल ओवर एंड ओवर अगेन। तो इस तरह से लैंड लिटर जितने भी होते हैं, प्लास्टिक बैग लिटरिंग करते हैं चारों तरफ बिखरे होते हैं, तो इससे पोटेंशियल बढ़ता है उनका बार बार किल करने का। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन बैग हैज़ द पोटेंशियल टू अनइंटेंशनली किल वन एनिमल पर एवरी 3 months। 3 महीनों में एक एनिमल को तो एक बैग मारते ही मारता है, ये पोटेंशियल है इनका। ड्यू टू अनइंटेंशनल डाइजेशन और इनहेलेशन, उसको निगलने की वजह से डाइजेशन खराब होगा तो एक जानवर मरते ही मरता है। विदाउट द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम फूड सोर्स ड्राई अप एंड स्टार्वेशन अकर्स। अगर बैलेंस नहीं होगा इकोसिस्टम में तो फूड सोर्सेज ड्राई अप हो जाएंगे और स्टार्वेशन होगी। With an increase in plastic bag use throughout the world, the eventual effects could be literally devastating even to the human population. तो ये आपने देखा कि plastic bag के use से तो population पे भी खूब प्रभाव पड़ता है। While it's a noble thought to place the plastic bags in the recycling bin every week, recycling bin में डाला जाए, studies have proven that there are very few plants that actually recycle them. लेकिन कहते हैं कि अच्छा thought है recycle किया जाए, परंतु plants कितने हैं? Most municipalities either burn them, ये municipalities या तो जला देंगी उनको या फिर उन्हें फेंक देंगी landfill
आफ्टर लैंडफिल आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद क्या करते हैं, डंप कर देते हैं और कुछ नहीं होता। दिस इज बिकॉज इट कैन बी एक्सपेंसिव टू रिसाइकल, क्योंकि रिसाइकल करना महंगा पड़ता है और इट डजंट मेल्ट डाउन ईजिली, मेल्ट डाउन नहीं होता इतनी जल्दी, ऑफन नॉट रियलिस्टिकली एबल टू री यूज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म विदाउट कंसिडरेबल और होल्ड द फैसिलिटी, और री यूज भी नहीं किया जाता, लोग करते नहीं हैं। द प्रिमिसेस ऑफ रिसाइकलिंग दीज बैग्स इज नाइस, और ये आइडिया तो अच्छा है रिसाइकल करने का, येट फंडिंग फॉर द upgrades just has not happened and thus less than 1% of all bags sent to recycling plants worldwide. सिर्फ 1% बैग ही रिसाइकलिंग के लिए जाते हैं दुनिया में और एंड अप होते हैं सारे ऐसे ही, मोस्ट आर लेफ्ट टू बिकम पोल्यूशन प्रॉब्लम, और बाकी सारे पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दो पैसेज हो रहे हैं वो कर लेते हैं। There are always alternatives to plastic bags and the search for more alternatives continues. Alternative hai bags ke aur search bhi jari hai, talash bhi jari hai. Paper bags are a possible option, paper bags option hai, but they also take their toll on the environment. Parantu paper bag, ye paper bag unka environment pe unka bhi asar hota hai. The use of trees, the paper banane ke liye वृक्ष ki काटा जाएगा और इससे भी, और दूसरी बात यह होती है पेपर प्रोडक्ट कंबाइंड विद द इंक्रीज एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक पेपर बैग्स विल आल्सो हैव ए नेगेटिव एनवायरनमेंट इफेक्ट। पेपर भी ऐसे ही बिखरे रहेंगे, वो भी एनवायरनमेंट में जाएंगे। रीयूजेबल प्लास्टिक बैग्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू रीजंस दैट वांट टू आउटलॉ द प्लास्टिक बैग्स ऑल टुगेदर। तो रीयूजेबल प्लास्टिक बैग्स यूज किए जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और इनसे ही प्लास्टिक बैग खत्म हो सकते हैं। और दीज आर स्ट्रोंगर एंड मोर ड्यूरेबल एंड कैन बी यूज्ड फॉर 3 to 5 ट्रिप्स टू द स्टोर। 3-4 ट्रिप कर सकते हैं आप स्टोर में इनके साथ। ऑफ कोर्स द रीयूजेबल क्लॉथ बैग इज फास्ट, सबसे ज़्यादा अधिक जो फास्ट बिकमिंग ए फेवरेट अमंग एनवायरमेंटल स्पोर्टर्स वो है कपड़े का बैग। वाइल दस फॉर नो बैग इज वर्क विदाउट इट्स इश्यूज, कोई भी बैग ऐसा नहीं है जिसका इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो। दीज आर द बैग्स दैट आर करंटली रिकमेंडेड फॉर यूज, और ये कपड़े वाले बैग करंटली रिकमेंड किए जाते हैं यूज के हेल्थ प्रोडक्ट, क्योंकि इनका इशू नहीं है कोई, डिग्रेडेबल है बिल्कुल ये। तो क्वेश्चन बनता है मेरा, व्हाई डू सम पीपल ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। आप जान गए होंगे इसका आंसर आपको मिला होगा, कन्वीनियंस की वजह से वो लोग, शुरू में ही ये मैसेज में था आंसर आपने देखा होगा। व्हाई देयर ऑब्जेक्शन टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स सोल्ली ऑन देयर कन्वीनियंस, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो मैंने ये मैसेज आपको पढ़ा दिया है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। प्लास्टिक बैग शुड बी यूज्ड, सॉरी ये अलग था क्वेश्चन। व्हाई इज रीयूजिंग प्लास्टिक बैग्स नॉट कंसीडर्ड प्रैक्टिकल, इन्हें प्रैक्टिकल क्यों नहीं माना जाता, आंसर मिलेगा आपको। व्हाई इज द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स कंसीडर्ड डैमेज टू द एनवायरनमेंट, डिस्पोजल कैसे डैमेज करता है एनवायरनमेंट को प्लास्टिक बैग्स का, बिखर जाते हैं वहाँ, रिसाइकलिंग नहीं करती कोई भी म्यूनसिपैलिटी और वो फिर हवा में चले जाते हैं, उनको जलाते हैं तो वो गैस निकलती है ये। हाउ डू प्लास्टिक बैग्स एंडेंजर द लाइफ ऑफ एनिमल्स इन द सी एंड ऑन लैंड, निकल लेते हैं मैमल्स के बारे में बात हुई थी, वहाँ से आंसर मिलेगा इसका। व्हाट फैक्टर्स डिस्करेज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स, रिसाइकलिंग को कौन कौन से फैक्टर डिस्करेज करते हैं कि ये ठीक नहीं है रिसाइकलिंग, लोग भी इसको रिकमेंड नहीं करते, एक बार यूज़ हो गया तो उसको यूज़ नहीं करना चाहते, अगर वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती जो सेकंड टाइम आएगा रीयूज करेंगे फट जाते हैं जल्दी। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग्स, बेस्ट पॉसिबल क्या है, कपड़े का बैग। अब क्वेश्चन है आपको
दिए हैं तो उसमें ये रिमूव, पैरा टू में आंसर मिलेगा इसका रिमूव, जैसे वहाँ एलिमिनेट वर्ड था। चोकिंग, चोक करना, सफोकेट करना, चोकिंग हो जाता है, आप वर्ड देख सकते हैं वहाँ पे। अब है क्वेश्चन अलग तरह का, मल्टीपल चॉइस का, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपने पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ऑप्शन चार दिए जा रहे हैं आपको, एक ऑप्शन सही होगा। द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है? द प्लास्टिक बैग्स शुड बी यूज, प्लास्टिक बैग्स यूज किए जाएं? नो। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक, इंडस्ट्रीज शुड बी हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट, जो इंडस्ट्रीज प्लास्टिक बैग प्रोड्यूस करती हैं वो उनकी गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन एनवायरनमेंट, इसके बारे में है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन एनवायरनमेंट, इसके बारे में? या द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक बैग शुड बी इम्प्रूव। तो नेचुरली आपको ये ऑप्शन सही लगेगा, तो ऐसे ही और मिलेंगे। ये सैंपल है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर कंज्यूमिंग ईटेबल्स फॉर द प्लास्टिक बैग्स, ईटेबल खा के लोग क्या करते हैं? पीपल कीप देम इन देयर पॉकेट्स, जेबों में डाल लेते हैं। पीपल आमतौर पे, पीपल सेल देम, बेच देते हैं शॉपकीपर्स, पीपल यूजुअली थ्रो देम, और लोग उनको फेंक देते हैं। पीपल गिव देम टू द बैगर्स, बैगर्स को दे देते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखना जरूरी था कि आउट ऑफ वन, आउट ऑफ थ्री, एक तो फेंकते ही फेंकता है, तो ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत आती हो तो। ऑन एवरेज ए प्लास्टिक बैग टेक्स कितना टाइम लेता है ब्रेक डाउन होने में? 60 साल, 1000 साल, 80 साल, 100 साल, 100 साल से अधिक कहा गया इसमें। तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। आप आंसर जब लिखते हो तो टेंस का ध्यान रखिए। व्हाट फैक्टर डिस्करेज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स, आप यहीं से करोगे। द फैक्टर्स दैट डिस्करेज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स आर, दे दो। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज, तो इस तरह आप लगा सकते हो। व्हाई, व्हाई रीजनिंग के लिए होता है। डू सम पीपल ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बिकॉज, व्हाई वाला बिकॉज से जोड़ दो। और रीयूजिंग प्लास्टिक बैग्स इज नॉट कंसिडर्ड प्रैक्टिकल बिकॉज, व्हाई इज द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स कंसिडर्ड डैमेज, द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज कंसिडर्ड डैमेज टू द एनवायरमेंट बिकॉज, ऐसे आप आंसर दे सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समाप्त करता हूँ। एक सैम्पल था, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पैसेज पढ़ाता जाऊँ, और पैसेज कहीं से भी आ सकता है। अगर कुछ सिलेक्टेड होते कि ये प्रिस्क्राइब हैं तब तो मैं कराता। पैसेज को पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए, कोशिश कीजिए उनके आंसर लिखने की, यही इसका बेस्ट सूटेबल आंसर है। और रीडिंग हैबिट्स डेवलप कीजिए, हमेशा पढ़ते जाइए, कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग को कैच कीजिए, यहाँ जो समझना है तो उन्हें गैस कीजिए। ओके, आगे फिर नई चीज़ के साथ मिलते हैं। नोट मेकिंग का एक और एक एग्जांपल दूंगा मैं, तो टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।